और तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डराएंगी। आज हम दिल्ली में आए हुए हैं और हमारे साथ भोजन कवि राहुल नागपाल जी हैं, जो कि पूरे देश में अपनी कविताओं के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट में लोगों को जगाने का काम करते हैं। आज हम उनसे उनकी कविताएं जानेंगे जो उनकी सबसे बेस्ट है। वो सर BSNSF जिसमें आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, और आपको भी शुभकामनाएं अपने पोर्टल के लिए। आपका पोर्टल बहुत अच्छी दिशा में जाए और समाज को नई दिशा में दे, नई दिशा दे। मैं कवि हूँ, मेरी पहचान एक कवि के रूप में है। आजकल कविता नहीं चल रही है तो ब्लॉग चल रहे हैं, ब्लॉग बना रहा हूँ, लोग देख रहे हैं। आपका बहुत स्नेह मिलता है मेरे चैनल पर और तमाम भोजन मीडिया पर, और स्ट्रीम मीडिया पर भी कभी अगर टीवी पर जाने का मौका होता है तो वहाँ भी समाज की बात ही रखी जाती है। कविता का जो सवाल है, कविता बहुत सारी है। मेरा काव्य संग्रह है तमन्नाओं में तमन्ना, आप उसको अमेजोन से खरीद भी सकते हो, गौतम बुद्ध प्रकाशन ने उसको प्रिंट किया है। मैं बस एक दो तीन छोटे छोटे मिसरे सुना देता हूँ आपको। एक मेरा शेर था कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं ना झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं हम अलग पहचान रखते हैं। तो ये सब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मूवमेंट के जो लोग हैं, हमारी एक अलग पहचान है मुल्क भर में, और इस पहचान को बनाए रखिए और तमाम भोजन मीडिया को देखते रहिए। चलते चलते चार मिसरे आपके लिए गुनगुना देता हूँ ताकि आपको भी ये पता चले कि राहुल नागपाल को भाई साहब के चैनल पर सुना था तो कुछ कविता भी सुनी थी। चार मिसरे वही जो मिसरे बड़े हिट हुए और संसद भवन से लेकर के और बाहर तक लोगों ने प्यार किया, और क्रांति मैं भीम आर्मी का एज ए प्रवक्ता उसको मैंने सुनाया पार्लियामेंट में, तो एक अलग प्रकार की सरकार के पक्ष और विपक्ष में उसको सुना। तो मैं वो चार मिसरे आपको सुनाता हूँ और ये हर बहुजन को सुनने चाहिए कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डराएंगी। तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम। तो बस आप देखते रहिए बहुजन मीडिया, और भाई के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए भाई के चैनल। राहुल भाई, आपकी एक कविता थी जो कि आपने संसद में सुनाई थी, भीम के मिशन में से। हाँ, भीम के मिशन से गर्म बस यूँ ही उसके मुझे पूरी कविता याद नहीं, जितनी यादें सुनाया था आपने उसको कहा। हम जैसे लोग जो मूवमेंट में आए और हमारे पीछे जो बहुत सारे मनुवादी और खासतौर से अपने समाज में जो मनुवाद बन पाए वो लोग हमारे पीछे पड़े, तो मन मैं तो हिंदी कवि सम्मेलन छोड़ करके आया था, बहुत अच्छी पहचान थी, नाम था, पैसा सब कुछ था, लेकिन एक जुनून था कि नहीं मैं बहुजन कवि सम्मेलन या बहुजन कविता का बाजार बनाऊंगा। मैं 10 साल में कितना सफल हुआ हूँ मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ सफल हुआ हूँ। आज देश भर में 1000 से ज़्यादा 22 राज्यों में प्रोग्राम किए, संसद में 10 बार मैंने कविता सुनाई बाबा साहब की जमीन पर। तब मैं कहता हूँ कि जो लोग परेशान करते हैं उन सबको जवाब था कि भीम के इस मिशन से गर हम निकल जाएंगे, तो ये दलाल मिशन को निगल जाएंगे, और भीम के इस मिशन से गर हम निकल जाएंगे, और के लूट कर जो मिशन दौलत कमाई गई, लूट कर जो मिशन दौलत कमाई गई, जब मरेंगे तो क्या साथ ले जाएंगे, और भीम के इस मिशन से गर हम निकल जाएंगे, तो ये दलाल मिशन को अरे निगल जाएंगे, भीम के इस मिशन से गर हम निकल जाएंगे। तो आप सुन रहे थे भाई राहुल नागपाल जी, जो बहुजन कवि है, जो पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और भाई राहुल नागपाल के चैनल को भी Rahul85 को भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।